आज हमारे ब्लॉग में कौन आया है देखो। आई थिंक 6 महीने का गैप लिया तुमने, नवंबर दिसंबर से हो ही नहीं, तुम नवंबर से कहाँ हो? जनवरी में बस एक ब्लॉग में आई थी स्टार्टिंग में, दैट्स इट। मतलब मैं आई तो भी ऐसे टाइम पे आई कि जिसमें इतनी ज्यादा गर्मी है यार। तुमने आम रखी थी ना घर गाड़ी में। गाड़ी में खुशबू आ रही है आम की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएच के व्लॉग। तो जिस वीडियो का आप बेसब्री से बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे जो कि है महिंद्रा क्राउन, तो आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप बोल रहे होंगे इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आया। मैं चाह रहा था कि ये इस व्लॉग में आए बिकॉज ये थोड़ा इम्पोर्टेंट व्लॉग है जिसमें सारी डिटेलिंग अच्छे से होनी चाहिए। बिकॉज अकेला कैसा जाके सिर्फ शूट करके आने में वो मतलब नहीं बनता। एक से 2 लोग होते हैं ना, तो थोड़े से नॉलेज शेयरिंग अच्छे से होती है और मेरे भी इनपुट चीज को लगता है कि इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए बोला कि ठीक है हाँ। चलो। और अभी कैसे वैसे करके रेडी किया उसको, गर्मी इतनी थी ये भी जाने को रेडी नहीं थी। फाइनली मैं बोला टोपी पहन के जाते दोनों, लेकिन चलो। और टाउनशिप वाले लोकेशन में हम बहुत दिन से गए भी नहीं है, तो क्या अपडेट है, क्या चीजें हुई, वो भी समझ में आएगा आपको। एक्सेसिबिलिटी होगी बाद में। अच्छा हाँ, क्योंकि ये मेन रोड रहेगा ना अल्टायर वालों के लिए तो। हाँ करेक्ट, लेकिन आगे है ना टाउनशिप में भी कनेक्ट करेगा ये रोड जाकर। बलून दिख रहा है आपको रेड कलर का, वही है महिंद्रा स्पेसेस वाली लोकेशन। एक टाइम था ना बीटीपी के लिए आते थे यहाँ पे, महिंद्रा वालों ने बाद में एक्वायर करवाया इसको। ये अच्छा रेडीमेड मिल गया उनको सेल्स ऑफिस। हाँ। ओके गाइस, तो ये है इनका 3 BHK का कटआउट मतलब ये पूरा सैम्पल फ्लैट रेडी नहीं है तो उन्होंने कटआउट में दिया। ये इसका लेआउट है, ये है एक्चुअली 1114 स्क्वायर फीट का। तो इसमें ना वीडियो में एक जगह ये लेआउट डाल दूंगा और ये गो थ्रू कर दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा ये फ्लैट है। ठीक है, सो ये रहेगी इसकी एंट्री होने के बाद में ये आपका यहाँ पर रहेगा शू रैक, और शू रैक के बराबर इधर सामने ये है इनका डाइनिंग स्पेस। तो ये बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट वाला है, 1 बेडरूम यहाँ पे है, बाकी के 2 बेडरूम वहाँ पे है। तो ये सेंटर में आपका ये हो गया लिविंग एरिया। लिविंग के साथ में ये होगी इसकी पूरी डेक, मतलब जो आपकी बालकनी है ये पूरी ऊपर से कवर रहेगी, और जो ग्रिल है ना ये एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको पहले ये रूम दिखाता हूँ कि ऐसा कटआउट दे तो आपको आइडिया आएगा। तो वहाँ पे विंडो आएगी और ये है इसका यहाँ पे वॉशरूम रहेगा। अब यहाँ से हम लोग अगर ये रूम से बाहर निकलते हैं तो इधर है आपका किचन। पैरेलल किचन है, मॉड्यूलर किचन नहीं रहेगा। ठीक है, ओनली किचन प्लेटफॉर्म्स रहेंगे यहाँ पे और बेसिन रहेगा ऐसे। यहाँ पे आपकी ड्राई बालकनी रहेगी और यहाँ पे रहेगी विंडो। ये रहेगा आपका कॉमन वॉशरूम। तो कॉमन वॉशरूम में उस कॉर्नर में रहेगी शावर एरिया, यहाँ पे रहेगा WC और ये रहेगा यहाँ पे बेसिन। ठीक है, सामने मिरर। यहाँ पे एक नीश स्पेस बनाया उन्होंने, ये रहेगा। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखना है, कुछ रखना कर सकते हो। थोड़ा अंदर के साइड में रहेगा। इसके बराबर अपोजिट यहाँ पे रहेगा ये दूसरा बेडरूम, और इसको भी वहाँ पे विंडो रहेगी। क्लियर। और ये अंदर एंटर कर रहे हैं हम मेन मास्टर बेडरूम में। ये मास्टर बेडरूम, वहाँ पे छोटा सा सीटिंग एरिया बना है, यहाँ पे आपका टीवी यूनिट वगैरह रहेगा, वहाँ पे टेबल रहेगी। इसके अलावा वो जो आपको गैप दिख रहा है उधर, ये वाला गैप, और एक गैप इधर दिख रहा है, तो एक क्रॉस वेंटिलेशन के इन्होंने यहाँ पे 2 विंडोज़ बनाए हैं। प्लस साथ में एक बड़ी सी वहाँ पे भी एक बालकनी आ रही है। यह रहेगा इनका वॉशरूम। सेम उसी तरीके से कॉर्नर में आपका शावर एरिया रहेगा, ये WC रहेगा, ये बेसिन यहाँ पे, और ये रहेगा वॉकिंग वार्डरोब। तो बहुत अच्छी चीज़ इनकी ये है कि आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK तीनों में आपको वॉकिंग वाटर मिलेंगे। सिर्फ 2 BHK छोटा साइज छोड़ के बाकी जितनी भी साइज है सब में आपको इस तरीके का वॉकिंग वाटर स्पेस आएगा। बहुत सही बना है, अच्छा लेआउट है। मैं आपको एक बार यहाँ से ये भी दिखा देता हूँ, बालकनी का साइज ये सारे दक्टू के इनपुट्स देखते हैं। क्या बोलना है तुम्हारा? अच्छा लगा, बहुत दिन बाद तुम कुछ इनपुट्स दोगी। हाँ मैं सच बता रही हूँ, अच्छा लगा मुझे। ये जो 3 BHK बना है ना, काफ़ी अच्छे से बनाया है, कुछ अलग उसका डिज़ाइन है, कॉमन डिज़ाइन नहीं है। प्लस मुझे बस एक ही चीज़ थोड़ी सी लगी कि यार एंट्री के टाइम पे थोड़ा सा अगर लॉबी स्पेस होना चाहिए था, वो अपने को बनाना पड़ेगा, इंटीरियर में पार्टीशन करना पड़ेगा। जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा ये वाला ना यहाँ तक हाफ भी यहाँ पे किसने कवर कर लिया ना ये पोर्शन, तो ये बहुत अच्छी लॉबी बनी है। प्रॉपर लोगों ने अरेंजमेंट ये शू रैक के लिए प्रॉपर स्पेस भी दिया, ऐसे ओपन लग रहा है। उससे से लोग डाइनिंग लेफ्ट में दिखता है, करेक्ट। हाँ। तो यहाँ पे कैसे इंटीरियर में कुछ ऐसा पार्टीशन करना पड़ेगा यहाँ तक, तो हो जाएगा सॉर्टेड आउट। बाकी ठीक है, बाकी लेआउट तो मुझे भी अच्छा लगा बिकॉज किचन के लिए भी प्राइवेसी बहुत अच्छी है। ओपन किचन नहीं है, आपका सेपरेट एंट्री हो रही है किचन की। ये मुंबई स्टाइल है, पता है कि मुंबई के फ्लैट्स में मैंने देखा था। ये डिजाइन यहाँ की काफ़ी अलग है, वरना जो हम देखते ना हॉल के ठीक बाजू जो वॉल रहती है ना, वहाँ पर बेडरूम रहता है, सेकंड बेडरूम, और किचन हमेशा इस तरफ रहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग दिया है। ये जो वॉल है जो आपकी टीवी यूनिट की रहेगी, ये एक्चुअली रहने वाली किचन की वॉल है। हाँ, बैक साइड किचन है वाली। और समझ में नहीं आएगा अपने को जो जो मेजरमेंट है ना, मेरे ख्याल से ये एक्स्ट्रा सा और बड़ा रहेगा। ये अभी बहुत छोटा दिख के आ रहा है, तो एग्जैक्ट इसके ऊपर मत जाना। और ये भी डेक भी बहुत बड़ा है इनका, ये अच्छा लगा। हाँ मुझे लग नहीं रहा कि 7 फीट होगा ये, बट अच्छा है ये। ठीक है चलो फिर चलते हैं, और फिर एक्सप्लेनेशन ये वाला ब्लॉग तुम ही एक्सप्लेन करोगे। हाँ बिकॉज बहुत दिन से एक्सप्लेनेशन मेरे ही चल रहे हैं। ओके कैसे हम आ गए हैं बाहर। तो अभी मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो वहाँ से जो है ना, जो सामने घेरा वाला प्रोजेक्ट है उसके सामने वाला जो रोड है वो और बड़ा हो गया। इनका आधा जो है रोड पे चले जाएगा, जो घेरा और महिंद्रा के बीच में वो रोड आएगा। एक्चुअली इनका प्रोजेक्ट यहाँ से लेके ना वो पूरा एंड जहाँ पर वो बिल्डिंग दिख रही है आपको, उसके पहले पहले तक जाएगा, तो पूरा अंदर तक जाने वाला ही है। बट मैं खुद भी सोच रही थी कि क्या हम यहाँ पे भी सोच सकते लेने का। ये बस हो गया, ये ना जो नए प्रोजेक्ट पे जाती है ना, पसंद आता कुछ बस यहाँ पे ले ले, बस यहाँ पे ले ले, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाओ, बस यहाँ ले ले, इन्वेस्ट इधर करो। मतलब अगर नया ले पा रही हूँ तो लोगों को वो लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या कुछ इशू तो नहीं आएगा। वो लोग क्या सोचेंगे, वो उनके सामने सोच के फिर बता रही हूँ ना। अगर मैं ले सकती हूँ तो मतलब आप लोग भी डेफिनेटली ले सकते हैं। एक्चुअली कैसा है कि यहाँ पे है ना बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट के 2 BHKs हैं, जो कि हमें पर्सनली बहुत पसंद आते हैं वैसे फ्लैट्स, इसलिए नक्कू के दिमाग में वो आ रही है चीज़। प्रॉपर स्पेस डिवाइड हो जाता है और कहीं डेड स्पेस, कम से कम डेड स्पेस मिलता है उसके अंदर। एनीवेज देखो हर एक प्रोजेक्ट में प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, इसमें भी। हाँ इसमें भी है ही सही। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इंक्लाइंड हैं कि थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं चीज़ें। लेकिन वो क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है वो पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के बाद में हम बताएंगे। आई थिंक कि अभी तक तो बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा कि प्रोजेक्ट कैसा है, क्या चीज ला रहे, क्या नहीं ला रहे। लेकिन आपको वो चीज नहीं पता है जो हमारे दिमाग में है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। चलो फिर है ना, डिटेलिंग के साथ मिलते हैं। और इस बार डिटेलिंग करने वाली है ये। तो अगर आप चाहते हो कि अगर मैं ए प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करूँ तो फटाफट लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जल्दी से 10K करा दो यार। कितना टाइम हो गया यार, 10K करा दो। हम चाहते मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सेलिब्रेशन भी कर ले हम उस चीज के लिए। ठीक है जल्दी से घर जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट की डिटेलिंग के साथ। तो ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा 5.3 एकड़ का, जिसके अंदर आपको 2 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK और 4 BHK आपको मिलने वाले हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में अभी 3 टावर लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें आपको 500 यूनिट मिलने वाली हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट में 2 टावर बाद में लॉन्च होंगे, और टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट रहेगी वो रहेगी 1000+। इसमें आपको मिलने वाली है 5 लेवल की पार्किंग। इसमें 3 टावर अभी जो लॉन्च हुए हैं, वो टावर ए है, टावर बी और टावर ई है। ए और बी जो टावर है उसमें आपको मिलने वाली है 2 BHK, 3 BHK यूनिट्स, और जो टावर नंबर 4 है उसके अंदर डेडिकेटली 4 BHK आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 2 क्लब हाउस। पहला क्लब हाउस वो रहेगा ऑलमोस्ट 16,000 स्क्वायर फीट का, और जो सेकंड वाला है वो 7,000 स्क्वायर फीट का रहेगा। तो यहाँ पर 2 BHK को आपको 1 पार्किंग मिलने वाली है। 3 BHK, 3.5 और 4 BHK में जो 1100 कारपेट है उसके ऊपर जो कारपेट रहेंगे उसको मिलेगी 2 पार्किंग्स, और 1100 से नीचे जो कारपेट रहेगा जो 3 BHK फ्लैट है उसको मिलने वाली 1 पार्किंग। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका मास्टर लेआउट। यहाँ पर अभी टावर ए, बी और टावर ई, ये तीनों टावर अभी लॉन्च हुए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको दो साइड कनेक्टिविटी मिलेगी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाला जो रोड है, ये रोड कनेक्ट करता है रिवर साइड रोड को। तो ये वाला रोड वो रोड है जिसके राइट साइड में रहने वाला है कोहिनूर ग्रीन टास्टिक और लेफ्ट साइड में रहने वाला है महिंद्रा का प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को दो साइड की कनेक्टिविटी है और इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको 3 एंट्री और एग्जिट मिलने वाली है। यहाँ से एक एंट्री है, एक एंट्री यहाँ से और एक यहाँ से। ये सारी इसकी एमिनिटीज है जो कि प्रोजेक्ट में बिल्कुल सेंटर में दी हुई है। सारे टावर को इजीली एक्सेस रहेगा इसकी एमिनिटीज का। कुछ एमिनिटीज उन्होंने यहाँ पर भी दी है, कुछ यहाँ पर दी है और बाहर भी यहाँ पर कुछ सिट आउट्स वगैरह दिए हुए हैं। इनकी सारी एमिनिटीज ग्राउंड फ्लोर पोडियम लेवल पे रहेगी। टॉप फ्लोर पे, रूफ टॉप पे कोई भी एमिनिटीज नहीं है। टावर नंबर ए है वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग है, टावर नंबर बी नॉर्थ साउथ फेसिंग है और टावर नंबर ई भी नॉर्थ साउथ फेसिंग है। तो जो फ्यूचर डेवलपमेंट वाले जो टावर्स हैं, इनका जो लेआउट में डिजाइन जो दिख रहा है वो एग्जैक्टली टावर नंबर ए के जैसा दिख रहा है ना। लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 2-3 BHK ना होके 4 BHK भी आ सकता है, बिकॉज वो लोग सोच रहे हैं कि जैसे डिमांड आएगी उनको टावर ए, बी और ई के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो लोग आगे डेवलपमेंट करने वाले हैं। अभी हम लोगों को ऐसा दिख रहा है कि 1100 यूनिट तक हो सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट में। बट अगर उन लोगों के पास ऐसे डिमांड आई कि 3 BHK 4 BHK ज़्यादा चाहिएंगे तो फिर ये यूनिट नंबर ना थोड़ा सा कम होकर 800 या 900 तक भी आ सकता है। सारी एम्यूनिटीज़ है, या आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। ये इस तरीके से रहने वाला है क्लब हाउस नंबर 1। काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल, जकूजी, किड्स पूल दिया हुआ है, शावर एरिया भी दिया हुआ है, लॉन दिया है, मल्टीपर्पज़ कोर्ट दिया हुआ है। ये क्लब हाउस नंबर 2, इसके अंदर आपको गेम रूम मिलेंगे, एक्टिविटी रूम है, योगा रूम है, किड्स प्ले एरिया है, कोर्ट मिलेगा खेलने के लिए, या तो बास्केटबॉल हो सकता है या तो फुटबॉल कोर्ट होगा, लाउंज है। ये क्लब हाउस की एमिनिटीज है, ये भी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये कुछ पोडियम लेवल की और ग्राउंड लेवल की एमिनिटीज है, ये भी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये टावर नंबर ए का फ्लोर प्लान, इसमें एक फ्लोर पे 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ्लैट। तो इस पूरे टावर में एक फ्लोर पे 8 फ्लैट हैं। ये चारों फ्लैट जो रहेंगे 2 BHK रहेंगे अंदर के साइड, और एक कॉर्नर के जो फ्लैट्स ये रहेंगे 3 BHK। और इसमें एक फ्लोर पे 4 लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेसेस हैं। तो ये 2 BHK है, इनका कारपेट है 770 स्क्वायर फीट। 3 BHK है, इनका स्क्वायर फीट है 1114 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे जो 3 BHK है उनको मिलने वाली है आपको 2 बालकनी और जो 2 BHK उसको मिलने वाली है सिंगल बालकनी। ए टावर में आपको सारे फ्लैट मिलने वाले हैं ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये टावर नंबर ए का रेफ्यूज फ्लोर का फ्लोर प्लान है। पूरा फ्लोर प्लान पूरा सेम रहने वाला है। जो यहाँ पर एक 3 BHK कॉर्नर फ्लैट है, उसका ये वाला जो रूम है इसको रेफ्यूज बना देंगे और ये बन जाएगा 2 BHK जिसका कार्पेट है 933 स्क्वायर फीट। तो ये वाला 2 BHK का बड़ा कारपेट है, अगर किसी को चाहिए तो आप ये लोग प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे 3 BHK वाली बड़ी वॉकिंग वार्डरोब आपको मिल जाएगी। तो ये टावर बी का फ्लोर प्लान, इसमें आपको मिलने वाले हैं एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, जिसमें आपको 2 मिलने वाले हैं 3 BHK और ये 4 मिलने वाले हैं आपको 2 BHK। इसमें एक फ्लोर पे आपको मिलने वाली है 4 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेसेस। इसमें आपको फ्लैट की एंट्री आमने सामने मिलने वाली है। सारे फ्लैट्स जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो ये सारे आपको नॉर्थ साउथ वाले फ्लैट्स मिलने वाले हैं। 2 BHK का कारपेट मिलेगा 870 स्क्वायर फीट। 3 BHK में मिलने वाला है 1237 स्क्वायर फीट। ये इसका रेफ्यूज फ्लोर, इसमें भी सेम हुआ। इसमें ये वाला जो रूम है यहाँ से हटा दिया गया, उसको बना दिया रेफ्यूज एरिया और ये हो गया बड़ा वाला 2 BHK जिसका कारपेट रहने वाला है 1050 स्क्वायर फीट। तो ये सबसे बड़ा 2 BHK आपको मिलने वाला है वॉकिंग वार्डरोब के साथ, और इस 2 BHK में आपको मिलने वाली है 2 बालकनी। तो ये है टावर नंबर ई का फ्लोर प्लान। इसमें आपको एक फ्लोर पे 4 फ्लैट मिलेंगे और चारों फ्लैट रहने वाले हैं आपके 4 BHK। इसमें एक फ्लोर पे आपको मिलने वाली है 4 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेसेस हैं। इसमें आपको जो एंट्री एग्जिट मिलने वाली है वो रहने वाली है ईस्ट और वेस्ट साइड में, बिकॉज ये टावर है, ये पूरा टावर नॉर्थ और साउथ है, इसलिए उन्होंने वास्तु कंप्लाइंसेस के हिसाब से जो एंट्री है वो आपकी ईस्ट वेस्ट कर दी है। और अच्छी बात ये है कि सारे एंट्री को प्राइवेसी दी हुई है और काफ़ी अच्छा लॉबी स्पेस मिला है, तो वो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इन चारों फ्लैट में आपको 2 बालकनी मिलने वाली है। प्रॉपर मास्टर बेडरूम में आपको वॉकिंग वार्डरोब मिलने वाला है। और ये 4 BHK में आपको एक सबसे अच्छी चीज़ ये मिलने वाली है कि यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा एंट्री दी हुई रहेगी जो कि रहने वाली है सर्वेंट एंट्री। ये रहेगा सर्वेंट रूम और ये उसका वॉशरूम। तो आपको डायरेक्ट आपका सर्वेंट आपका किचन को एक्सेस कर सकता है दूसरे डोर से। तो इन चारों के कारपेट एरिया है 1599 स्क्वायर फीट। तो ये है इस प्रोजेक्ट के कुछ प्राइसिंग्स। अभी उनके पास डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं जिसमें कि दो टोकन अमाउंट रहेंगे, एक रहेगा प्रीमियम टोकन, एक रहने वाला है गोल्ड टोकन। जो प्रीमियम टोकन है वो रहने वाला है 5 लाख का और जो गोल्ड टोकन है वो रहने वाला है 3 लाख का। अगर आप प्रीमियम टोकन लेंगे तो आपको 8 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा डायरेक्टली, और अगर आप गोल्ड टोकन लेंगे तो आपको 6 लाख का डिस्काउंट मिलेगा डायरेक्टली ऑन द प्राइस। और इसके अलावा और आपको लाखों में डिस्काउंट चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, तो हम आपके लिए बेस्ट ऑफर निकलवा के देंगे। जो प्राइजेस है ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फ्लोर तक ही है, फ्लोर वाइज भी ऐड हो जाएंगे थर्ड फ्लोर से। तो अगर आप सोच रहे हैं हायर फ्लोर लेने का तो उसमें भी आपको फ्लोर वाइज ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप चाहिए कि फ्लोर वाइज में भी आपको कुछ कंसेशन मिले या आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कम हो जाए प्राइसिंग, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमें कनेक्ट करना है, फिर हम आपकी हेल्प करा देंगे बुकिंग अमाउंट। तो मैंने एंटायर प्रोजेक्ट आपको समझा दिया है, अब हम बात करते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले प्रोज ये आता है कि प्रोजेक्ट के जो बिल्डर है वो है महिंद्रा बिल्डर, जिन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट पुणे में बनाए हुए हैं। इनके जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट रहते हैं वो दूसरे बिल्डर के सिमिलर नहीं है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट रहेंगे। इनके कुछ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट ही पुणे में है जो कि काफी ज्यादा अच्छे फेमस प्रोजेक्ट हैं। पिंपरी में भी इन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं। तो महिंद्रा इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी सारे सिटीज़ में इनके प्रोजेक्ट्स हैं रियल स्टेट में। प्लस महिंद्रा को तो आप जानते हैं जो कि ऑटोमोबाइल्स में है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है महिंद्रा। तो अच्छे इनकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट क्वालिटी वो अच्छी रहने वाली है। ये जो प्रोजेक्ट जो बनने वाला है ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा माईवन में। किशन आप सभी लोगों को पता है जो रहने वाली है अपर खराड़ी, जो कि टाउनशिप के अंदर आने वाला है। पूरा टाउनशिप फैला हुआ है मांजरी से लेके वाघोली तक, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये आने वाला है वाघोली की साइड पर। जब रिवर साइड का जो रोड है वो कंप्लीट हो जाएगा तब हमें खराड़ी से जाते वक्त पहला प्रोजेक्ट लगने वाला है कोहिनूर का और दूसरा प्रोजेक्ट लगने वाला है महिंद्रा का। तो लोकेशन भी आपको क्लियर हो गई है। सबसे पहला तो ये प्रॉब्लम मुझे लगा है कि जो प्रोजेक्ट में जो यूनिट्स हैं उनके जो लेआउट हैं वो हम लोगों को काफ़ी अलग और यूनिक लगे हैं, ठीक है। उन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए हैं 2 BHK और 3 BHK। आपको 3 BHK में प्रॉपर मिलने वाली है 2 बालकनी, 2 BHK में आपको मिलने वाले हैं 1 बालकनी और छोटा सा एक्स्ट्रा स्पेस जो कि काफ़ी सारी, जो कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि वो नीश स्पेसेस हैं जो कि आप उसको यूज़ कर सकते। रेफ्यूज फ्लोर पे भी वो कुछ 2 BHK दे रहे हैं, कुछ रेफ्यूज फ्लोर पे वो 3 BHK भी दे रहे हैं जो कि 4 BHK का टावर है। तो वहाँ पे आपको बड़े फ्लैट्स मिलने वाले हैं। तो जिन लोगों को बड़े फ्लैट चाहिए, एक्स्ट्रा वॉकिंग वार्डरोब चाहिए, तो वो लोग वो फ्लैट प्रेफर कर सकते हैं। सेकेंड प्रो ये आता है कि लोकेशन नियर बाय खराड़ी है, ठीक है, जो सबको पता है, सारी डिटेल आपको पता है खराड़ी के बारे में। थर्ड प्रो ये आता है कि रेप्यूटेड बिल्डर है, सारे प्रोजेक्ट की डिलीवरी की है और इसका जो पोजेशन है रेरा का 2029 का, बट ये लोग कमिट कर रहे हैं 2027 का, बट आप लोग फॉलो कीजिए रेरा की डेडलाइन को। नेक्स्ट प्रो ये आता है कि वो लोग दे रहे हैं 4 BHK की एक डेडिकेट बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि मिक्स मर्ज 2, 3, 4 सब एक ही टावर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो चीज़ मुझे एक अच्छी लगी कि जो बड़ी फैमिलीज हैं उनको एक फ्लोर पे सिर्फ 4 ही फ्लैट मिलेंगे और ज़्यादा क्राउडेड नहीं रहेगी वो बिल्डिंग, क्योंकि ए और बी टावर में एक फ्लोर पे 8 फ्लैट हैं। तो इस चीज़ के कंपेरिजन में 4 BHK में आपको एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट मिलेंगे, जो कि एक अच्छा प्रो है। तो नेक्स्ट प्रो ये आता है कि जो 4 BHK उसकी जो एंट्री और एग्जिट है वो ईस्ट वेस्ट रहने वाली है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको वास्तु कंप्लाइंस के हिसाब से वो आपके लिए परफेक्ट बैठ जाएगा। उनका जो एंट्री एग्जिट है वहाँ पे प्रॉपर लॉबी का स्पेस है जिसमें आपको प्रिवेसी भी मिल जाएगी। तो जो 2 BHK जो लेआउट है वो भी हमको अच्छे लगे, बिकॉज उसमें भी आपको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर दिया है कि राइट साइड एक रूम है, लेफ्ट साइड एक रूम है, प्रॉपर प्रिवेसी मेंटेन रहती है इस तरीके के लेआउट्स में। और डेड स्पेस कम होता है, बिकॉज कैसा होता है जब हम देखें 3 BHK के और भी काफ़ी सारे फ्लैट्स देखे हमें जहाँ पे टी जंक्शन बन जाता है वो पूरा सेक्शन आपका डेड स्पेस होता है। तो बटरफ्लाई में वैसा कुछ भी कंसेप्ट रहेगा ही नहीं, तो आपको डेड स्पेस मिलने वाला नहीं है, पूरा स्पेस आपको यूज़ करने अच्छे से मिलेगा। यहाँ पे आपको 2, 3 और 4 BHK में पैसेज में आपको प्रॉपर ऊपर लॉफ्ट बना के वो लोग देने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को लॉफ्ट लगता है ये सामान, एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। ये मैंने अभी तक किसी बिल्डर का नहीं देखा है कि वो लोग एक्स्ट्रा आपको लॉफ्ट बना के दे रहे हैं पैसेज में। नेक्स्ट प्रो ये आता है कि आपको 2 BHK में भी मिलने वाला है वॉकिंग वार्डरोब, जो कि मेरे को स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा जी को बोलती हूँ ऐसा बेडरूम होना चाहिए इसमें वॉकिंग वार्डरोब तो हो ही सही, हालांकि ऐसे मिलते नहीं। आज का बिल्डर्स ऐसे बना ही नहीं रहे 2 BHK जिसमें रूम साइज भी बड़ा हो, उसमें प्रॉपर वॉकिंग वार्डरोब का स्पेस दिया हो। ऐसे सिर्फ 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स में ही मिलता है। तो वो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि अगर आपको बड़ा फ्लैट चाहिए तो वो आप रेफ्यूज पे ले सकते हो। नेक्स्ट प्रो बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मेरा मिनी बॉन का जो भी नया आया है वीडियो, प्लीज़ आप वो जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा, और अगर आप देख चुके तो प्लीज़ ऑर्डर कीजिए यार अपने बेबीज़ के लिए, फटाफट ऑर्डर करिए। मैं आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर दूंगी, उसके अंदर कूपन कोड भी मैं आपको बना के दे दूंगी जो कि अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। वो कूपन कोड आप यूज़ कीजिए और अच्छे ऑफर पाइए। तो नेक्स्ट प्रो ये आता है कि वहाँ पर आपको 2 क्लब हाउस मिलने वाले और काफ़ी सारी एमिनिटीज भर भर के मिलने वाली है। अगर कोई वास्तु कंप्लाइंस के हिसाब से देख रहा है तो टावर नंबर A आपके लिए बेस्ट है। जो फ्यूचर डेवलपमेंट में जो टावर है, अगर उनमें भी यूनिट नंबर थोड़ा सा कम हो गया तो ऑलमोस्ट अगर 800 भी होता है 5 एकड़ में, तो फिर भी मुझे लगता है कि जैसा हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा, मुझे वैसा नहीं ये विजुअलाइज होता है, बिकॉज काफ़ी स्पेस दिया हुआ है हर एक जगह। टावर्स के बीच में भी काफ़ी गैप है। अगर यही सेम स्ट्रक्चर वो आगे फॉलो करते हैं और 1100 यूनिट तक बन जाता है तो हमें लगता है कि फिर वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के कॉन्स के साथ। सबसे पहला कॉन ये आता है कि जो टावर नंबर B है उसके जो इंटरनल फ्लैट्स है उनका व्यू खराब हो सकता है, बिकॉज आगे टावर नंबर A है और एमिनिटीज के सामने टावर नंबर E है। तो आपका जो एमिनिटी फेसिंग वाला जो व्यू रहेगा वही रहेगा, अदरवाइज आपका जो सामने बिल्डिंग है तो व्यू खराब हो सकता है। और बैक साइड जो रहने वाला है जो कि नॉर्थ फेसिंग है तो वहाँ पर भी फ्यूचर डेवलपमेंट होगा, तो वो भी शायद व्यू आगे जाके जा सकता है। सेकेंड कॉन ये आता है कि टावर नंबर E है वो भी पूरा नॉर्थ साउथ है, जबकि 4 BHK फ्लैट ऐसे रहते हैं कि बड़ी फैमिली प्रेफर करती है, तब वो वास्तु देखते ही देखते हैं। और बस यहाँ पर उन लोगों ने क्या कर दिया, वास्तु के लिए सिर्फ ईस्ट वेस्ट की एंट्री दी है, लेकिन पूरा फ्लैट उनका नॉर्थ साउथ ही रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि उनको इस तरीके से चूज करना था कि ईस्ट वेस्ट वाला डायरेक्शन लेना चाहिए था 4 BHK। ये जो प्रोजेक्ट है ये रहने वाला है एक और रिवर साइड प्रोजेक्ट, जिसमें अभी जो चल रहा है काफी मार्केट में मच्छर और स्मेल का इशू जो कि समर्स में आता ही है। इसमें टावर नंबर E है उसका जो फेसिंग आने वाला है वो एक साइड पूरा आ रहा है रिवर साइड और एक साइड आने वाला है एमिटी फेसिंग। तो जो रिवर साइड फेसिंग आ रहा है मे बी उनको आगे चल के मच्छरों का और स्मेल का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सेकंड जो कॉन है वो आता है टावर नंबर B के लिए, जिसमें इंटरनल आपको जो व्यू है वो व्यू हल्का सा ब्लॉक हो सकता है बिकॉज सामने टावर है, और बैक साइड भी व्यू इन फ्यूचर ब्लॉक हो सकता है बिकॉज आगे चल के वहाँ पर भी कोई ना कोई फ्यूचर डेवलपमेंट आ सकता है। और नेक्स्ट कॉन ये आता है कि आपको यहाँ पर 2 BHK 3 BHK की जो भी एंट्री रहने वाली है वो बिल्कुल आमने सामने रहने वाली है फ्लाइट की, तो वहाँ आपकी प्राइवेसी नहीं रहती बिल्कुल भी, बिकॉज होटल रूम्स वाली फीलिंग आती है। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि जब भी हम होटल में विजिट करते हैं तो कैसा पैसेज होता है लंबा सा और आमने सामने एंट्री होती है, तो वो मुझे थोड़ी सी लगती है कि थोड़ी प्राइवेसी का उन लोगों को वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए था, बिकॉज बाहर आपको लॉबी स्पेस भी नहीं मिल रहा है और कुछ प्राइवेसी नहीं है, बस डायरेक्टली दरवाजा जैसे आप खोलोगे कोई पैसेज से क्रॉस भी हो रहा होगा ना तो आपके घर के अंदर दिखेगा। तो उसके लिए अब आपको फिर इंटीरियर करवाना पड़ेगा, पार्टीशन डालना पड़ेगा और उसको प्रॉपर एक लॉबी बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट कॉन मुझे ऐसा लगता है कि पूरा फ्लैट बहुत अच्छे से डिज़ाइन करने के बाद जो ड्राई बालकनी है वो उन्होंने एनक्लोज रखी है। अगर आपको चाहिए तो आप उसको पार्टीशन बिठा सकते हैं और उसको बाहर की तरफ रख सकते, बट वो सबका अपना अपना थॉट है। कुछ लोगों को लगता है कि एनक्लोज भी सही है, डर्ट वर्ट नहीं आता है, धूल नहीं, और कबूतर का जो बहुत प्रॉब्लम चलता है वो नहीं होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँ सारे बिल्डर से, प्लीज़ जो ड्राई बालकनी ना उनको बाहर कर दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा हमको एक्स्ट्रा सामान डंप करने। ये प्रोजेक्ट में जो प्राइजेस दिया हुआ है वो थोड़े से हायर साइड पे जाते हैं बिकॉज अभी लॉन्च हुआ है और इसका पोजीशन मिलेगा आपको 29 में, तब तक तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी से इसके प्राइजेस काफ़ी हाई है, थोड़े टाइम के बाद होते प्राइजेस बढ़ते तो समझ में आता है। और उसके ऊपर आपको फ्लोर राइज भी ऐड करके मिलेंगे, अगर आपको हाई फ्लोर मिलेगा तो इसमें प्राइजिंग और ज़्यादा बढ़ेगा। भले वो 8 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं लेकिन फ्लोर राइज भी इसमें ऐड होगा, तो ऑलमोस्ट आपका प्राइसिंग इसके या इसके ऊपर ही जाने वाला है। इसका जो पोजीशन है वो 2029 का है और अभी चल रहा है 2024, तो 5 साल अगर आपको वेट करना है या आप वेट कर सकते हैं, तभी आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तभी आप इसमें पैसा लगाना, बिकॉज 5 साल रुकना बहुत बड़ा टाइम होता है। और फिर मतलब इन्वेस्टमेंट में समझ में आता है कि चलो ठीक है इन्वेस्ट कर दिया, बट लिविंग पर्पस से ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है, तो फिर आपको थोड़ा सोच समझ के इसमें पैसा डालना चाहिए। प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्पस से लिए है बिकॉज ये प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है। यहाँ पे सिर्फ आप लिविंग पर्पस से ही देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी तो नहीं है। लेकिन अगर जो सोचते हैं कि हम 4 या 5 साल के बाद यहाँ पे रह सकते हैं, या जो चाहते हैं कि 4-5 साल के बाद हम पुणे शिफ्ट होंगे, तो उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी अच्छी है कि वो आज पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5 साल के बाद तो उनको पोजीशन मिल जाएगा, तब आप यहाँ रह सकते हो। वो भी चीज़ आप सोच सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि नहीं मैं यहाँ पे बस पैसा डाल दूँ पिकअप, अगर मुझे रेंट आए, रेंट पर्पज से आप सोचो तो वो मत कीजिए बिकॉज बहुत महंगा हो जाएगा ये प्रॉपर्टी। और बस मुझे ये बोलना है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ वीडियो। जिनको प्रॉपर्टी लेनी है उनको हमारा नंबर शेयर करो ताकि वो हमें कॉन्टैक्ट करें और हम उनको अच्छे इन्फो, सही इन्फो प्रोवाइड करें, प्लस कुछ हेल्प लगेगी तो वो भी हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो इतने टाइम के बाद आज मैंने वीडियो बनाया, तो प्लीज़ उसी बात के लिए इस वीडियो को लाइक करो जल्दी से और सब्सक्राइब भी कर दो। तो इस प्रोजेक्ट में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो और पूरी टाउनशिप का मेंटेनेंस कॉस्ट, ये दोनों मिला के कुछ 7 से 8 रुपए पर स्क्वायर फीट आने वाला है। इस टाउनशिप में काफ़ी टावर्स, काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे देखे हैं जो प्रॉपर MLCP की अलग बिल्डिंग बनाते हैं, उसके ऊपर वो एमिनिटीज देते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा है कि 5 लेवल की आपकी इस प्रोजेक्ट में पार्किंग है, MLCP की कोई अलग से बिल्डिंग नहीं है, जो प्रॉपर स्पेस है वहाँ पर अच्छी तरीके से एमिनिटीज दी हुई है। हाँ, और जितने यूनिट है यहाँ पर उसके हिसाब से एमिनिटीज भी प्रॉपर दी हुई। तो टाउनशिप लेवल पे एमिनिटीज क्या क्या रहेंगी? फायर स्टेशन रहेगा, पुलिस स्टेशन रहेगा, हॉस्पिटल है, स्कूल है, अकेडमीज रहने वाली है। लेकिन ऐसा है कि चलो आपने कोई अकेडमी बुक करी तो आप डेली आपको जाना है, तो वो उन चीज़ों का फायदा है कि आपको आउट ऑफ द टाउनशिप कहीं नहीं जाना है, आपको सबसे टाउनशिप में मिल जाएगी। तो ये जो एंटायर प्रोजेक्ट है ये हमें लगता है 80 से 90% प्रोज से भरा पड़ा है, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन से हम दोनों को पर्सनली पसंद आया है। सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्थ साउथ है, छोटी छोटी जो कॉन्स मैंने आपको भी बताएं, सिर्फ वही है, अगर वो आप निगलेक्ट कर सकते हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा बन सकता है। तो हमें लगता है कि अगर आप प्रेफर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये हमारी साइड से इस प्रोजेक्ट को थम्स अप है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है और अगर आप चाहते हैं बुकिंग में हमारी हेल्प, तो आप प्लीज़ इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। तो हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कॉमेंट्स कीजिए आपको क्या चीज़ नहीं पसंद आई और क्या चीज़ पसंद आई। और मेरे मिनी बॉन्ड से भी कुछ ऑर्डर कर दीजिए, किसी को गिफ्ट कर दीजिए, अगर आपको अपने घर के लिए नहीं चाहिए तो किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए कुछ परचेज कर लीजिए। फिर मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। दिस इज टू ऑफर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन स्टे सलामत।